तो भाई मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बंदों को शाउट आउट देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पीस धीरज भाई, एंड फिर वालियर रेड, एंड फिर हमारे अर्जुन भाई, एंड HP साहिन भाई। तो भाई इन बंदों ने काफ़ी पॉपुलरिटी दी है, इसके लिए थैंक यू भाई। तो भाई जिस जिस बंदे ने भी फ्री वाली पॉपुलरिटी क्यों ना दी हो, उसके लिए थैंक यू भाई। तो भाई ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, इस वीडियो में मैं कुछ बातें करूँगा अपने बारे में। तो भाई मैंने कमेंट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट मैसेज पिन किया है, तो भाई उस कमेंट पर जाओ और रिप्लाई करो। मैं अपने क्लैन का क्या नेम रखूँ, तो भाई मैं एक क्लैन बना रहा हूँ, उसमें आप सब भी आ सकते हो भाई, उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अभी मैंने बनाई नहीं है, सिर्फ मैं उसका नेम के लिए सजेशन तुमसे मांग रहा हूँ। तो भाई इस कमेंट में जाओ और नेम सजेस्ट करो, क्या क्लैन का नेम रखूँ। तो भाई लोग कैसे हो, तो भाई मैं पिछले कुछ दिनों से सच बोलूँ तो एक भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि भाई मैं जब से YouTube चैनल खोला था ना, नवंबर से मान लो, नवंबर से पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा कंसिस्टेंट रहा हूँ भाई। मैं पहले संडे को वीडियो नहीं डालता था, बट भाई जनवरी और फरवरी में संडे तक को भी वीडियो डालता हूँ, मतलब भाई फुल कंसिस्टेंट रहा हूँ। बट भाई पिछले दिनों से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ समझ लो, क्योंकि भाई एंड ऑफ जो जनवरी बात करूँ तो मैं एक गेमिंग ईयरफोन है सेनहाइजर का 6180, वो जनवरी के एंड में ख़राब हो गया भाई। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक बैकअप ईयरफोन है, उसका नाम है रियल मी बड्स 2, बट भाई उस ईयरफोन में दिक्कत ये आ गई, क्या बोलूँ भाई, उसमें ना ही सही से इन गेम साउंड रिकॉर्ड होती थी, और गेमिंग ईयरफोन तो है नहीं, वो एकदम बेकार सा ईयरफोन था, गेमिंग इन गेम साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही, कभी कभार बीच में अपने आप ही भाई बिना कोई बकचोदी के अपने आप ही साउंड पॉज हो जाएगी, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रही भाई इन गेम, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही, या कभी कभार डिले भी आ जाता था। इसलिए भाई मैं ये इतना बेकार ईयरफोन मैंने कुछ हफ्तों तक चलाया, क्योंकि भाई मैं CX180 मैं नया ले लेता, बट उसकी वारंटी है और उसकी 2 साल वारंटी होती है ना, इसलिए मैंने इसको वापस दे दिया। 9 फरवरी को मैंने वापस दिया था और कुछ 12 फरवरी को वहाँ पर पहुँच गया था। 2 से 4 वीक का टाइम लगता है वहाँ पर पूरा ईयरफोन बनने में। तो भाई वो मेरा जो ये रियलमी बड्स 2 था ना, वो मेरा 15 फरवरी को ख़राब हो गया, मतलब भाई राइट साइड से आवाज़ आना बंद। ओ भाई, तो फिर मैं एक ईयरफोन से सोलो FPP रैंक पुश में हाई लॉबी में कैसे खेल सकता था भाई। मैं 15 फरवरी के बाद से एक सिंगल मैच नहीं खेला भाई सोलो FPP का। नॉर्मली मैं प्रैक्टिस के लिए TDM खेलता या स्क्वाड खेल लेता, बट एक मैच भी नहीं खेला सोलो FPP का। तो फिर भाई उसके बाद और भी बताता हूँ तुम्हें, मैंने एक सस्ते से ईयरफोन मतलब टेम्पररी नए ईयरफोन ले लिए। मैंने सोचा जब तक वो ईयरफोन मेरा CX180 बन के नहीं आता तब तक इसको यूज़ कर लूँगा, बट भाई उस ईयरफोन से मैंने अभी सच्ची बोलूँ 2-3 मैच खेले हैं, वो मैं तुम्हें कल अपलोड कर दूँगा, वो तो मैंने 2 मैच आज ही खेले हैं, वो ईयरफोन कल ही लाया था भाई सच बोलूँ तो। चलो कोई नहीं, वो मैं CX180 कुछ दिनों में मेरे पास आ ही जाएंगे, और ये जो 50 रुपये वाले सस्ते ईयरफोन है भाई उनके मतलब ये समझो टेम्पररी से भी गंदे ईयरफोन हैं, उनको भी भाई मतलब गेमिंग ईयरफोन तो ये भी नहीं है, बट भाई CX180 कुछ दिनों में आ जाएगा और तुम्हें अच्छे गेम प्ले मिलेंगे। और भाई बात करते हैं मेन टॉपिक की, एग्ज़ाम्स की। मेरे एग्ज़ाम भाई 27 फेब से हैं, और भाई 27 फेब से मान लो या 25 से भी मान लो, या मतलब भाई काफ़ी इनएक्टिव चल जाऊँगा मैं यूट्यूब से भी, इंस्टा से भी और पबजी से भी। और तुम सोच रहे हो कि मैंने सारी फ्रेंड अनफ्रेंड क्यों कर दी है, क्योंकि भाई 12th का मैं एक लॉजिक था, 12th नहीं 10th का मानो, जब उस समय मैं FB पे बहुत एक्टिव था, वो मान लो एडिक्शन मान लो, FB का मेरे को एडिक्शन ला गया था। तो फिर भाई मैंने एक किया चीज़ किया, FB से सारे फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया। तो भाई ना ही फ्रेंड रहे ना ही उसमें कोई मतलब इंटरेस्ट रहा FB पे। इसलिए भाई मैंने ऐसा सेम PUBG में भी किया था 12th में भी, और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने YouTube के चक्कर में पूरा साल समझ लो पूरा सेमेस्टर ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो भाई ये एंड ऑफ द मोमेंट है भाई, इसमें पढ़ लेता हूँ नहीं तो बैक लग जाएंगे, तो लौड़े लग जाएंगे भाई, इसलिए भाई इसमें पढ़ रहा हूँ मैं। और भाई मैं 27 एग्ज़ाम शुरू हैं और 10 मार्च को चल रहे हैं, मतलब 10 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम है। तो भाई तुम्हें 11 तारीख से 11 मार्च से रेगुलर गेम पे मिलेंगे। और बात रही बीच के 27 से लेके और पूरे मार्च तक की, 10 मार्च तक की क्या होगा, मतलब कभी कभार मैं कुछ पोस्ट कर दूंगा, अगर सोलो FPP खेलूंगा तो सोलो FPP गेम पे डाल दूंगा, नहीं तो नॉर्मली TDM स्क्वाड डो कुछ ना कुछ जरूर डालूंगा यूट्यूब पे। तो भाई मैं इतना ये इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि भाई अब मैं कुछ दिनों के मतलब 1 से 2 वीक मान लो पूरा अनकंसिस्टेंट हूँ, मतलब भाई ना ही इनएक्टिव नहीं हूँ पबजी में, कुछ दिनों में 20-25 मतलब तारीख से पबजी भी इंस्टॉल कर दूंगा, क्रोम डिसेबल कर दूंगा, यूट्यूब भी मतलब समझ लो मतलब थोड़ा सा पढ़ने का फोकस करूँगा 2 हफ्तों तक। उसके बाद भाई इस सीज़न की बात करूँ मैं, भाई ज़्यादा मैंने पबजी खेला भी नहीं था, क्योंकि मुझे जितना याद है मैं 69 मैचेस में क्रोम 3 पे आया था Platinum 1 से, और फिर उसके बाद अभी तक कुछ 100 मैचेस खेले होंगे मैंने, और अभी मैं हूँ क्रॉन 2 पे। मैं चाहूँ तो अभी भी पुश कर सकता हूँ कॉन्कर के लिए, बट भाई एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, कॉन्कर क्या है अभी है मतलब मेरे पास पिछले सीज़न का भी है, बट इस सीज़न में कोई बड़ी बात नहीं है मिले या ना मिले, बट भाई एग्ज़ाम ज़रूरी है भाई, ये वाले तो ज़रूरी हैं भाई, सेमेस्टर एग्ज़ाम है फाइनल वाला, तो भाई इसमें बैक वैक भी ले सकती है, इसलिए भाई इसके लिए थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। तो भाई तुम्हें गेम प्ले 2 वीक बाद मिलेंगे, तब तक वीक मतलब समझ लो सीज़न ये एंड ही हो जाएगा,
24 को नया सीजन आ रहा है ना, ये एंड हो जाएगा सीजन 17, सीजन 18 के 17 के एंड के गेम प्ले डाल दूंगा या कुछ, या सीधा देखी जाएगी। बट अभी तो फिलहाल थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ। जो थोड़े से मैंने 2-3 गेम प्ले पढ़े थे वो मैंने पास्ट डेज में 16-17 मतलब डाल ही दिए फेफ को। तो फिर भाई, तो भाई अभी मेरे पास सिर्फ कुछ ही गेम प्ले पड़े हैं, तो भाई उन्हीं गेम प्ले को मैं 2-3 दिन करके गैप में पोस्ट कर दूंगा। तो भाई ये सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए थी, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और बस यही सब चल रहा है भाई। पढ़ाई थोड़ी बहुत चलती है, मतलब इसी तरह चल रहा है अभी। तो भाई कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों तक कंटेंट की कमी होगी चैनल पे, मैं मानता हूँ भाई, क्यों 10 मार्च तक थोड़ा सा लंबा टाइम है, 2 वीक मान ही रहो, 2 वीक तक मैं भाई फुल ट्राई करूँगा 2-3 दिन के गैप में कोई अच्छी वीडियो डालने के लिए। अगर नहीं हो पाए तो किसी और कंटेंट, मतलब पुराना जो मेरा वीडियो है वो भी मतलब काफ़ी सही सी वीडियो है, तुम चाहो तो उसको भी देख सकते हो। इसी तरह मतलब मैं फुल कोशिश करूँगा तुम्हें किसी ना किसी तरह से एंटरटेन करने की। तो भाई कुछ 2 वीक तक मान लो, वीक 7 या 8 आ ही जाएगा, बट रैंक पुश उसके बाद ना के बारे चांसेस है भाई। तो भाई जो भी लोग अटके पड़े हो तो भाई अभी सही मौका है, अभी पुश कर लो, नहीं तो भाई वीक 6 जैसे ही आ गया ना भाई, मैं भाई कसम से बोल रहा हूँ वीक 6 के बाद रैंक पुश, क्या रैंक पुश का कुछ नहीं होता भाई। रैंक पुश मतलब फुल हैकर लॉबी, फुल टीम अप लॉबी, फुल वो पेड पुश लॉबी। इसलिए भाई जो है अभी है, अभी कर लो भाई, शायद वीक 5 चला ना, हाँ वीक 5 में कर लो, नहीं तो 6 में भाई दिक्कत तुम्हें ही देगी। तो भाई मेरा तो भाई अभी इतना ही है, मैं 10 तारीख के बाद रैंक पुश करूँगा दोबारा, हो गई तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भाई तुम्हें अपनी रैंक पुशिंग के लिए ऑल द बेस्ट। जो भाई क्रॉन पे हैं तो भाई तुम तो उम्मीद छोड़ो मत, और जो भाई प्लेटिनियम गोल्ड इन सब पे हैं तुम भाई उम्मीद तो बिल्कुल मत छोड़ो। अगर तुम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा रैंक पुश कौन करने मिलेगा सीज़न, तो भाई तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और नेक्स्ट सीज़न के लिए कम टायर डिमोट होगा भाई। तो भाई अभी तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट, जो भी कर लो एग्ज़ाम हो या रैंक पुश हो सबके लिए भाई ऑल द बेस्ट, फुल ट्राई कर दो। और भाई हो सके आज संडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे या ट्यूसडे को फुल डालूंगा एक वीडियो डालने की, फिर मतलब इसी तरह समझ लो कोई ना कोई गैप हो जाएगा, 2-3 दिन का गैप एवरेज मान ही लो भाई। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ तुम तो मुझे इस टाइम पे जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है उस समय सपोर्ट करोगे। तो भाई आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय गाइस। तो पीछे मैं स्मोक कर देता हूँ ताकि अगर कोई बंदा मेरे गन साउंड सुन के पीछे आए तो फेल ना पाए। तभी भाई मैं इस बंदे पीक लेता हूँ, बंदे को 2 हेड और 1 बॉडी मैं फिनिश कर देता हूँ भाई। ओ भाई ये मेरा 6ठा किल होता है भाई इस मैच में, और एक लास्ट बंदा बचा था। अब देखो भाई सबसे ज़्यादा हार्ड सिचुएशन ये है, यहाँ पे लास्ट बंदा बचा है, मुझे उसकी लोकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और मैं जोन में भी नहीं हूँ, और जो मेरी BRDM थी इसको मैंने खुद कम से कम 60-70 गोली मार दी थी जब ये मेरे पे रश कर रहा था, इसलिए मतलब BRDM भूल ही जाओ, मतलब तुरंत फटेगी। अब बंदे को लोकेशन भी दे दूंगा। ये भाई अब होता है मेन फोकस चिकन निकालने का भाई। अब इस मैच में तुम पे डिसाइड करता है, अब तुम देखो #2 पे हूँ, देखो भाई मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जा ही रहा होता हूँ तभी देखो सामने मुझे स्मोक दिखता है, एक नॉर्मल बंदा दिखेगा भाई, खुद ही देखो सामने स्मोक हुआ है, मैं खुद सोच रहा हूँ सामने बंदा है, बट भाई यहाँ पे बंदा नहीं होता सामने, ये बंदा मतलब थोड़ा सा अभी मेरे सामने के राइट साइड में होता है, बट यहाँ पे उसने फॉल्स स्मोक किया था ताकि मेरा ध्यान उधर जाए। चलो कोई नहीं भाई, मैं यहाँ पे अभी कंफ्यूज हूँ बंदा है कहाँ, अभी उस बंदे ने मुझे एक हिंट तक नहीं दिया कि बंदा उस साइड है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं पूरा आ रहा हूँ, और अभी मैंने सोचा भाई मैं बैग वाइट कलर का है और बहुत बड़ा है, मतलब भाई अगर कोई बंदा स्पॉट कर ले तो काफ़ी चांसेस हैं मेरे को फिनिश कर सकता है, इसलिए मैं अपनी एक्स्ट्रा एमो जो भी मतलब 7.62 थी, 5.56 थी, सारी एक्स्ट्रा एमो बैग से उतार देता हूँ, और बैग भी निकाल दिया, और सोचता हूँ कपड़े भी निकाल दूँ भाई। तो भाई यहाँ पे मैंने कपड़े उतार दिए, बैग उतार दिया, भाई देखो अब भाई क्या ही मतलब डेथ जोन आने वाला है, सिर्फ 25 सेकंड बचे हैं और फिर जोन आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद डेथ जोन भी आ जाएगा। तो भाई देखो अभी भाई फुल इंटेंस मैच चला था, यहाँ पे सभी बंदे देख रहे थे ना मैं, जितने को भी पेला था मैंने। चलो देखो भाई यहाँ पे बंदा मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी सही खेला, ना ही मुझे उसकी लोकेशन का आइडिया उसे, बट मेरी लोकेशन का आइडिया हल्का फुल्का हो ही गया होगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम नहीं मारा था। तभी मैं रैंडमली यहाँ पे गेट करता हूँ, मतलब मुझे लगा सामने जो पेड़ है एक ही कवर है वहाँ पे होगा, बट भाई लेफ्ट में देखो दोबारा स्मोक। ओ भाई मैं कंफ्यूज, अब बंदा है किधर, मैं जोन में आता हूँ साइड थोड़ा सा, अबे भाई देखो सामने स्मोक था, मैं रैंडमली यहाँ पे एक मॉली फेंकता हूँ बट यहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर मैं थोड़ा सा क्लोजिंग जाता हूँ और एक और मॉली फेंकता हूँ भाई, देखते हैं मॉली लेकर घर तो जाना है नहीं भाई, यहीं पे फिनिश कर देते हैं भाई, क्या पता एक आध किल मिल ही जाए मतलब एंड में, क्या पता फिनिश हो जाए मॉली से, बट कुछ नहीं होता भाई इस मॉली से। तो भाई यहाँ पे मैं एकदम जोन के कॉर्नर में आ जाता हूँ भाई, एकदम जोन का कॉर्नर है, यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा मतलब होल्ड करता हूँ अभी, देखते हैं भाई बंदा करता क्या है, क्योंकि भाई अभी मेरे पास 5 फर्स्ट एड है, 5 फर्स्ट एड मतलब
एंड में अगर तुम जितने फर्स्ट टीम मिले उतनी बढ़िया भाई, हिल बैटल में काम आती है। तो भाई बट यहाँ पे हिल बैटल की नौबत नहीं आई थी क्योंकि पूरा जोन ओपन में था, और इसलिए देखो भाई यहाँ पे मैं कोई भी मूड नहीं था भाई रश करने का, क्योंकि भाई जोन मेरे पे है और प्लस फर्स्ट एड भी है, वो बंदा मेरे पे रश करने आता है और देखो भाई क्या फाइट होती है हमारी। उस बंदे के फुटस्टेप राइट से आते हैं, ओ भाई माँ कसम भाई ओपी, कसम से भाई बोल रहा हूँ, ये बंदा खुद सोच रहा होगा कितना बड़ा सांप है भाई। मैं मानता हूँ भाई मैंने स्नेक कैंपिंग की है, बट भाई एफपीपी में सोलो एफपीपी रैंक पुश में भाई ये स्नेक कैंपिंग कॉम्पिटिटिव बंदे भी करते हैं भाई, मतलब भाई इतना चलता है भाई। अगर तुम हैक नहीं कर रहे, टीम अप नहीं कर रहे, तो भाई सब कुछ चलता है सोलो एफपीपी में। तो भाई इस बंदे को मैं पे लिया और भाई ये मेरा पहला चिकन होता भाई, कुछ मैंने 30 से 40 मैच खेले हैं भाई सीज़न में, और इस 30 से 40 मैच में मैं डायमंड 1 पे हूँ और प्लस पहला चिकन भी हो गया, और टॉप 10 की परसेंटेज कुछ 40 प्लस है। हाँ तो मतलब काफ़ी सही सभी स्टैटिस्टिक्स हैं मेरे, और इस तरह मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा क्रॉन पे जाने का और फिर क्रॉन टाइगर गेम प्ले डालूंगा भाई। तो भाई अगर तुम इस तरह नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हो और क्रॉन टाइगर गेम प्ले देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो भाई इसी मैच के साथ मेरा 34 प्लस होता है भाई, ओ भाई कसम से 7 किल थे 34 प्लस #1 पे भाई, मज़ा आ गया। तो भाई तुम्हें मेरी रैंक दिख रही होगी एंड में। तो भाई आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय गाइस, और भाई लाइक जरूर कर देना इस चिकन के लिए भाई, पहला चिकन है थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करना भाई। चलो बाय बाय।